हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने रियलमी 12 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन में इनकमिंग कॉल अगर शो नहीं हो रहा है ना, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार ना रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। अब अगला काम ये करना है कि आपके ना मोबाइल फोन का जो ये कॉलिंग का ऐप होता है, इस कॉलिंग के ऐप को उंगली से दबा के रखना है। आपका एक छोटा सा पेज ओपन होता है, इसमें आपको ना ये ऐप इन्फो का ये ऑप्शन टैप करना है। अब आपको इस वाले पेज में नीचे स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नीचे की साइड ये क्लियर कैच का ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके ना मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू कर लेना है। इसके बाद मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, इसमें सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लिखना है, नीचे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट का ये ऑप्शन शो होता है, टैप करना है। अब आपको इस पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन में आपका जो है ना ये फाइल का ऐप होता है, इस फाइल का ऐप को ओपन कर लेना है। इसमें आपको ना नीचे की साइड में ऐप्स का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सिस्टम ऐप जो लिखा हुआ है टैप करना है। इस पेज में आपको नीचे एंड्रॉइड सिस्टम पर टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको स्टोरेज का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको अगले पेज में क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा तुरंत से जीरो हो जाता है इस तरीके से, ठीक है ना। ये देखिए, तो अब आपको अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को ना रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी अगर काम नहीं करते हैं ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपको नीचे पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन में जितना भी डेटा है ना उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रख लेना है, ठीक है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीका आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।